Steno Studies Ritger by Rakesh Sen. सुरु महोदय, एक जो यहाँ इस बात के लिए सदन में हर बार चर्चा होती है, जो एक के बाद एक आते हैं, शारीरिक आवश्यकताएं यथा भोजन, कपड़ा, मकान और आराम जीवन की मौलिक आवश्यकताएं हैं। दूसरे स्तर पर आती है सुरक्षा और भविष्य के प्रति निश्चिंतता। इसके लिए मनुष्य भांति भांति की वस्तुओं का संग्रह करता है। फिर है सामाजिक आवश्यकताएं, जैसे अपने परिवार के भीतर और फिर बाहर के दूसरे लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोरंजनात्मक संगठन बनाना। चौथे स्तर पर हैं अहम संबंधी आवश्यकताएं, जैसे आत्म सम्मान, आत्मविश्वास और आत्मतुष्टि आदि, आत्म परितोष अर्थात उन्नति, विकास और ख्याति प्राप्ति की क्षमताओं को साकार करना व्यक्ति की अंतिम और उच्चतम अपेक्षाएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अपने आसपास उपलब्ध पर्यावरण का दोहन करता है। जल थल वायु ही नहीं, पेड़ पौधों, पशु पक्षी, जीव जंतुओं तक का उपयोग करता है। सभी शक्तियों का, यहाँ तक कि सबल व्यक्ति अपने से निर्बल व्यक्तियों तक का दोहन करता है, जो शोषण की सीमा तक पहुंच जाता है। इसके लिए भांति भांति की तकनीकें खोजी और अपनाई जाती हैं। प्रौद्योगिकी ने मनुष्य को भांति भांति की आवश्यकताओं की वस्तुएं अभूतपूर्व प्रचुरता से देकर संतुष्ट किया है और आवश्यकता की सीमा रेखा भी सिखाई है। विलासिता और सजावट की ऐसी सामग्री भी दी है, जो अब बहुत कुछ आवश्यकताओं में गिनी जाने लगी है। स्वचल वाहन, दूरदर्शन, धुलाई मशीन, सफाई मशीन, सिलाई मशीन, स्टोव, चूल्हे, मिक्सी, फ्रिज आदि आदि अब बहुत से लोगों के लिए अनिवार्य आवश्यकता की कोटि में आ गई है। तकनीकी और औद्योगिकी से यह सब संभव हुआ है, किंतु एक ऐसा अल्प वर्ग भी है जिसके लिए विलासिता आवश्यकता की कोटि में आ चुकी है। विज्ञान की जन समुदाय के लिए तो मौलिक न्यूनतम आवश्यकताएं भी विलासिता की ही बनी हुई हैं। औद्योगिकरण के सहारे मनुष्य ने जितना भी विकास किया है, उसे वह उन्नति कहकर संतोष करने लगता है और अपनी द्वैत प्रकृति के कारण यह ध्यान नहीं देता कि इस विकास से वर्ग भेद पनपा है। अमीरी गरीबी के बीच की खाई चौड़ी होती गई है। जो व्यक्ति मानव की समानता, समाजवाद या साम्यवाद के गीत गाता है, वही अपनी द्वैत प्रकृति के कारण अपने पर्यावरण, यहाँ तक कि मानव के भी शोषण के नए नए तरीके खोजता है। यह शोषण बलात्कार की सीमा तक पहुंच गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, फल स्वरूप भांति भांति का औद्योगिकीकरण हुआ और जल थल वायु सब प्रदूषण के शिकार हो गए। जितना ही अधिक विकास हुआ, उतना ही अधिक
विनाश भी हुआ, प्राकृतिक संपदा का भीषण ह्रास हुआ, व्यापक वन विनाश से भूमि बंजर और मरुस्थल बन गई। एक बड़ा हवाई जहाज एक दिन में जितनी ऑक्सीजन खर्च करता है उतनी ऑक्सीजन 17,000 हेक्टेयर वन में तैयार की जाती है, और वन बचे ही कितने हैं। इस उद्योग प्रधान सभ्यता का केंद्र पूंजी है और धर्म स्वार्थ है। मनुष्य का शोषण कर रहा है, देश देश का संपूर्ण विराम।